बरेली SSP अखिलेश चौरसिया और जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी द्वारा पुलिस लाइन बरेली में आगामी त्योहारों होली शबे बारात को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने हेतु पीस कमेटी के सदस्यों धर्मगुरुओं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग आयोजित कर पुलिस का सहयोग करने और सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बरेली पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर आगामी त्योहारों को सकुशल और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने और जनपद में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से बलवा ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें जनपद के थाना प्रभारियों के साथ साथ थाने के उपनिरीक्षकों मुख्य आरक्षियों आरक्षियों व रिजर्व पुलिस लाइन के कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान पुलिस टीम को दंगा निरोधक बलवा निरोधक उपकरणों का प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया गया। पुलिस बल के कर्मियों को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और पुलिस बल को दंगाइयों से निपटने के लिए विभिन्न तकनीकें और गुर सिखाए गए व अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए विभिन्न तरीकों को भी बताया गया। साथ ही विभिन्न टीमें बनाकर दंगा नियंत्रण हेतु अमल में लाए जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों का क्रमवार अभ्यास किया गया। विश्व धरोहर बरेली के बड़ी ब्रह्मपुरी की 163वीं फाल्गुनी रामलीला मंगलवार को पताका यात्रा के साथ शुरू हो गई। पताका यात्रा नरसिंह मंदिर से विधिवत पूजन के बाद निकाली गई। नरसिंह मंदिर सर्वप्रथम श्री गणेश जी एवं श्री हनुमान जी का पूजन किया गया। पूजन कमेटी अध्यक्ष सभासद सर्वेश रस्तोगी एवं मुख्य अतिथि उद्यमी अभिनव कटरू द्वारा पंडित केशरी नंदन कौशिक ने संपन्न कराया। इसके बाद निकली पताका यात्रा में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। यात्रा ब्रह्मपुरी मलोकपुर चौराहा मोहल्ला सौदागरान सीताराम कूचा बड़े बाजार गड़ैया छोटी ब्रह्मपुरी से वापस मूछों वाले हनुमान जी मंदिर पर आकर के संपन्न हुई। प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि जहां पताका को मंदिर के प्रांगण में लगे पीपल के वृक्ष पर बांध कर विधिवत रामलीला की जाती है। शुरुआत करने की अनुमति भगवान से ली जाती है। शाम के समय से रामलीला के प्रथम दिन से लीला का मंचन किया जाएगा। जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार द्वारा विकास भवन में समस्त बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गुड्डा गुड्डी बोर्ड प्रदान किए गए। गुड्डा गुड्डी बोर्ड प्रदान किए जाने का उद्देश्य ये है कि उस क्षेत्र में कितने बालक पैदा हुए और कितनी बालिकाएँ पैदा हुई हैं, इसका लिंगानुपात और डेटा संग्रह करना। ये गुड्डा गुड्डी बोर्ड प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में लगाए जाएंगे और बाल विकास परियोजना अधिकारी इसमें डाटा अपडेट करेंगे। गुड्डा गुड्डी बोर्ड में प्रत्येक माह का डाटा अपडेट किया जाना है। जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार के द्वारा समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे गुड्डा गुड्डी बोर्ड को प्रत्येक माह निरंतर रूप से अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लैंगिक समानता के भाव बनाए रखने हेतु जानकारी और प्रचार प्रसार निरंतर किए जाने हेतु बताया गया। जिला प्रोबेशन कार्यालय में सोनम शर्मा के द्वारा उक्त बैठक में विभाग किया गया और गुड्डा गुड्डी बोर्ड के विषय में उसमें भरने के विषय में और उसकी महत्वता के बारे में बताया गया।